आज की क्लास में हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट करने वाले हैं। प्रोजेक्ट क्या है कि मैं चाहता हूं एक सीट को फॉर्म बनाना। क्या बनाना? फॉर्म। और दूसरे पे डेटा टाइप करना। डेटा जैसे कि मैंने यहां पे लिखा, मान लीजिए कि नेम, छोटा सा फॉर्म बना रहा हूं, फॉर्म टाइप का कुछ ऐसा, सिटी, और यहां पे मैंने अमाउंट दे दिया। तो इस अगले कॉलम में हम डेटा टाइप करेंगे नेम, सिटी, अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पे एक बटन लेंगे, जिस बटन पे क्लिक करते ही डेटा डेटा सीट यहाँ से इधर फॉर्म हो गया। ओ बट यहाँ पे हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम चाहते हैं डेटा, यहाँ पे सबसे पहले तो आईडी है, देन डेट है, देन टाइम है, उसके बाद नेम, उसके बाद सिटी, और यहाँ अमाउंट। मतलब कि मैं यहाँ पे एक बटन बनाऊंगा, बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक ऑटोमेटिक आईडी क्रिएट हो जाए, जिस टाइम जिस डेट को फॉरवर्ड उसका करेंट सिस्टम डेट और टाइम आ जाए, और फिर इसके ऊपर जो नेम सिटी अमाउंट है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए अगर नॉर्मल कोडिंग करें तो कैसे करें, चलिए बताते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और यहाँ पे दे रहा हूँ सेंड। सेंड के अंदर यहाँ पे सबसे पहले कर रहा हूँ कि रेंज, रेंज में हमने यहाँ पे दिया ए टू डॉट वैल इक्वल टू आई, और आईडी जैसे 1 दे दिया, बट मैं चाहता हूँ कि आईडी हर बार क्रिएटेड हो। तो कैसे होगा? तो एक्सेल में एक फॉर्मूला आता है, किसका? मैक्स का। किसका आता है? मैक्स का। यहाँ पे देखिए मैक्स, मैक्स में पूरे को सेलेक्ट कर लिया तो इसकी मैक्सिमम नंबर आया थी। अगर 1 हुआ तो 1 आएगा, 2 हुआ तो 2 आएगा, 3 हुआ तो 3 आएगा। तो लास्ट जो मैक्सिमम नंबर है वो यहाँ पे निकालने के लिए हम यहाँ पे आईडी के ऊपर एक छोटा सा लगाएंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि हम मैक्स तो लगा नहीं सकते क्योंकि मैक्स वीवीए सपोर्ट ही नहीं करता। तो जो एक्सेल फॉर्मूला वीवीए सपोर्ट नहीं करता उसको कैसे लगाएंगे? एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स, और इसके अंदर हम देंगे रेंज ए, एक कॉलम ए, ए बाय ए, ठीक है, ए बाय ए दे दिया। तो यहां पे मैं बुलाऊं कि आईडी प्लस 1 होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे दिक्कत ये आ गई कि रेंज मतलब कि किस सीट का, यहाँ पे सीट का रेफरेंस तो दिया ही नहीं मैंने, तो ये आपको सीट का रेफरेंस यहाँ देना हो। यहाँ पे देते हैं हम सीट्स, सीट्स में यहाँ पे देते हैं डेटा, ठीक है, डेटा सीट देना जरूरी है। और जहां जहां मुझे रेंज यूज कर रहे हैं वहां भी सीट का नेम देना होगा। यहाँ पे दे दिया मैंने सीट्स, और यहाँ पे दे देंगे हम डेटा, ठीक है, ए टू डॉट वैल। वैसे यहाँ पे अब प्रॉब्लम है कि ए टू, तो ए टू अगर यहाँ पर रन करते हैं तो रन करते समय 1 आ गया, फिर दोबारा मैं रन किया तो हमेशा 1 ही आ रहे हैं, देखिए इसी में आ रहा है, एक गड़बड़ हो रही है ना सर, तो गड़बड़ है। हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था कि यहाँ पे 1 आए, एक बार रन करूँ तो 1 आया, जब दोबारा रन करूँ तो यहाँ 1 के नीचे 2 आए, दोबारा रन करूँ तो यहाँ पे 3 आए। लेकिन अभी क्या हो रहा है? क्योंकि हमने रिमूव करने को ऐसा ऑप्शन तो दिया ही नहीं है, तो कैसे हम, मुझे अब मुझे यहां देखना है कि अपने डेटा के लास्ट में कैसे आए, लास्ट में कैसे आए। तो अगर कोई डेटा आपको डला है तो लास्ट में लाने के लिए कोड याद होगा, हमने बताया था कि लास्ट में आने के लिए हम a65000 डॉट एंड xls आप करते हैं डॉट सेलेक्ट। तो क्या करेगा कि ये 65000 पे जाएगा और यहां से कंट्रोल के साथ अप करेगा, अप करके कहां पहुंचेगा? यहां पहुंचेगा। लेकिन मुझे लास्ट की अगली ब्लैंक रो चाहिए, लास्ट की अगली ब्लैंक रो। ऐसे केसेस में हम यूज करेंगे क्या? ऑफसेट। ऑफसेट में बोला कि एक रो एंड जीरो कॉलम,
और इसकी जो है डॉट वैल्यू इक्वल टू आईडी प्लस वन, आईडी प्लस वन। और इसके आगे हम सीट का डेटा रेफरेंस देते हैं, क्योंकि सीट रेफरेंस देना जरूरी है वरना, क्योंकि दो सीट के बीच में हम काम करने वाले हैं ना, इसलिए। तो अब मैं अगर मान लीजिए इसको हटाऊं, अब इस अपने माइक्रो को रन करता हूं, एक बार वन आया, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, आ रहा है सर? समझ में आया दिक्कत चीजें, किसी को डाउट इस पे? चंद्रा जी को डाउट, पटेल जी को डाउट आपको? बोलो। नहीं नहीं सर, अब मुझे जैसे मैंने रन किया, इसमें तो आ गया आईडी, इसके अगले सेल में चाहिए रो। तो मैंने क्या किया कि जो डेटा हमारा था नहीं वाला, अब इसी लाइन को कॉपी करते, कॉपी किया और यहां पेस्ट किया, अब यहां पे जीरो कर दिया कि रो चेंज ना हो, यहां पे वन कर दिया। ऐसा क्यों? कि जब दूसरा लाइन, जब ए लाइन रन होगा ना, तो ए लाइन में ए 65,000 से ऊपर जाएगा, ऊपर आने के बाद हमने बोला कि आपको रो नहीं चेंज करना, आपको कॉलम चेंज करना है। क्या चेंज करना है? तो कॉलम चेंज करना है, और कॉलम चेंज करने में वैल्यू में यहां हम दे देते हैं डे, क्योंकि सिस्टम डेट देगा। तो अब इसको एक बार रन करके देखिए, इसको रीड करता हूं, क्या आ गया? डेट आ गया यहां पे। तो जब भी रन करेंगे तो एक में नंबर, दूसरे में डेट, आ रहा है? ठीक है, यस सर। अभी बताती इसी तरह से मुझे तीसरे कॉलम में क्या चाहिए? टाइम चाहिए। इसी कॉपी को यहां पे पेस्ट किया, और ये जहां ऑफसेट था, ये जो ऑफसेट दिख रहा है आपको, इस ऑफसेट को हम यहां पे टू कर देते हैं। क्या कर देते हैं? टू कर देते हैं, और यहां पे डेटा के जगह, डेट के जगह पे टाइम कर देते। अब रन करेंगे तो देखिए डेट एंड टाइम दोनों आया, और जब भी रन करेंगे हर बार अलग अलग टाइमिंग आ रहा है ना। अब मुझे यहां पे नेम चाहिए, जो फॉर्म के अंदर जो यहां लिखा हुआ है, मान लीजिए नाम में पूजा, मुझे ये पूजा सीटी अमाउंट चाहिए। तो इसको हम यहां पे कॉपी करते हैं, अथवा बड़ा करते हैं, और यहां पे टाइम के जगह पे हम यहां लिखते हैं रेंज, रेंज में लिखते हैं ये कौन सा है हमारा, B4 B7 और B10। तो B4 हो गया हमारा नेम डॉट वैल्यू, ठीक है। अब इसको कॉपी किया, यहां पे पेस्ट किया, यहां पे थ्री हो जाएगा, यहां पे हमारा फोर हो जाएगा। तो यहां पे B4, यहां हो जाएगा B7, और यहां पे जाएगा हमारा B5, जो कि आ जाएगा अमाउंट, जो कि है B8। अब आप बोलेंगे सर आपने इस रेंज के पहले डेटा डाला, बट इस रेंज के पहले डेटा नहीं, आपने सीट का नेम नहीं दिया। हाँ, इस रेंज के पहले आप यहां पे सीट्स फॉर्म दे सकते हैं, ठीक है, बट सीट फॉर्म देना यहां जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा जो सेंड माइक्रो है कब रन होगा? जब मैं यहां एक बटन पे क्लिक करूं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यहां से बटन डिजाइन किया, और यहां पे असाइन माइक्रो, तो सेंड पे सिलेक्ट करके ओके कर दिया, और यहां पे हम लिख देते हैं सेव, राइट। तो ऐसा, क्योंकि तो सेव पे क्लिक करने के लिए मुझे इस फॉर्म सीट पे तो आना ही पड़ेगा। जब फॉर्म सीट पे आ ही जाऊंगा तो जो सीट एक्टिवेट है उसी सीट का बाय डिफॉल्ट ये डेटा पिक करेगा। तो यहां मुझे फॉर्म सीट डालना जरूरी नहीं, ठीक है। अब यहां पे पूजा सिटी में यहां पे दे दिया दिल्ली, अमाउंट दे दिया 500, और यहां पे जैसे सेव किया तो सेव हो गया, और देखिए डेटा यहां आ गया।
लेकिन अमाउंट नहीं गया, क्योंकि तो अमाउंट के लिए लग रहा है हमने अभी तक कुछ दिया नहीं। हाँ बी इलेवन फाइव ठीक तो है, बी फोर बी सेवन बी इलेवन, एक मिनट, बी इलेवन है कि कुछ और है, यहाँ बी टेन है, सॉरी बी टेन। अब इसको एक बार, अब यहां पे दिक्कत है कि सेव करते क्लीन होना चाहिए ना पूरा, तभी तो डेटा एंट्री दूसरा एंट्री करेंगे। तो यहां पे लिखते हैं रेंज, रेंज में लिखते हैं कि मुझे बी फोर कॉमा बी सेवन कॉमा बी टेन, ये क्या हो गया मल्टीपल सिलेक्शन, मतलब हम लोग कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करते हैं ना इस तरह से, इस तरह से एक कंट्रोल के साथ इसी तरह से कॉमा कॉमा लिखेंगे तो सिलेक्ट होगा, लेकिन मुझे डॉट क्लियर कंटेन करना है, मतलब कि उसके अंदर जो डेटा लिखा है उसको क्लियर कर देना है, फिर एम एस जी बॉक्स में देना है डेटा हैव सेव, ठीक है डेटा हैव सेव, समझ गए। अब यहां पे अगर मैं सेव करूं डेटा हैव सेव, क्लीन हो गया, यहां पर डेटा आ गया, समझ गए। यस सर। अब इसमें दूसरा एंट्री करते हैं, यहां पे मान लीजिए दिया पुणे, यहां पे देता हूं सिटी में पटना, यहां देता हूं अमाउंट 600, सेव पे क्लिक किया, देन डेटा है सेव, देखिए आ गया सेव हो गया। अब मान लीजिए कि मैं इस डेटा को किसी अलग सीट में मूव एंड कॉपी कर देता हूं, वर्कबुक में एंड ओके, इसको सेव कर दिया, एक्सेलस इसमें मैक्रो तो है नहीं, तो एक्सेलस ले रहे हैं, क्योंकि मैक्रो तो अलग कोई अलग सिस्टम में फाइल में है ना, इन्फॉर्म वाले फाइल में है ना, और ये हम ई ड्राइव के अंदर डेटा नाम से सेव कर देते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि एक बटन एक मैक्रो और बना, और मैं चाहता जब उस पर क्लिक करूं तो मेरा ये डेटा उस दूसरे फाइल में सेव हो, इस फाइल को मैं सेव कर देता हूं फॉर्म के नाम से, ठीक है किसके नाम से, फॉर्म के नाम से डी ड्राइव, ठीक है। तो अभी मैंने जो बनाया एक सीट से डेटा दूसरे सीट पे भेजता है, मैं चाहता हूं एक फाइल से डेटा दूसरे फाइल में भेजना, तो इसमें हमें जो कोड है वो बिल्कुल सेम ही रहे, बट मुझे यहाँ पे दूसरे तरह से लगाता हूँ कि से सब सेंड एफ के नाम से, सेंड एफ ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे उस पर्टिकुलर फाइल को ओपन करना है, मैं लिखूंगा बार बुक्स डॉट ओपन, और कहाँ से, तो ई ड्राइव के अंदर डेटा नाम से डॉट एक्सलेस एक्स, ठीक है। अब ये जो है आईडी वाला जो है ये हम यूज करेंगे, ठीक है। अब यहां पे शीट डेटा दिख रहा है आपको, डेटा दिख रहा है शीट्स, इसके आगे आपको फाइल लगाना है कि वर्क बुक्स, और इसके अंदर देना है हमारा डेटा डॉट एक्सलेस एक्स, समझे। तो हमने फाइल लिंक दे दिया, उसके बाद यहां हम जो है ये जो आपके सामने दिख रहा है ये सेम कोड रखेंगे। इसमें अंतर क्या होगा, इसमें अंतर होगा कि सीट से पहले हमें वर्कबुक का इस्तेमाल करना होगा, बाकी कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। और ये सेम दे दीजिए, इसी को कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट, और यहां जीरो, और यहां हो जाएगा वन, और यहां हो जाएगा वैल्यू में बिग, क्या हो जाएगा एक, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या सर,
और यहां पे हो जाएगा टू, यहां हो जाएगा टाइम, हो जाएगा ठीक है। अब जो है यहां जो तीसरा यहां लगेगा तीसरा, अब मुझे यहां पे थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि मैं यहां पे रेंज नहीं दे सकता, तो मुझे यहां पे देना होगा वर्क बुक्स इसके अंदर फॉर्म डॉट एक्सेल, फॉर्म डॉट एक्सेल एस एम ठीक है, डॉट यहां पे देंगे हम शीट्स, शीट्स में कौन सा तो डेटा, डेटा नहीं फॉर्म सॉरी फॉर्म फॉर्म, और फिर यहां पे डॉट रेंज, रेंज कौन सा तो ए बी फोर, बी फोर बी फोर डॉट वैल्यू ठीक है सर। अब सर इसमें दिक्कत आया कि बहुत लंबा कोड है ना, तो आप इसको क्या करें स्पेस दे अंडरस्कोर लगा के नीचे एंटर प्रेस कर, तो दो लाइन को एक लाइन माना जाए। क्या किया मैंने, जहां से कोड को तोड़ के नीचे करना है वहां एक स्पेस दे के अंडरस्कोर दे के एंटर प्रेस करें, तो ये दोनों लाइन अब एक ही लाइन माना जाए। तो जब लंबे लंबे कोड है उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते, हालांकि वेरिएबल डिक्लेयर करके हम इसको छोटा कर सकते हैं, लेकिन वो भी हमने बताया नहीं आपको, इसलिए मैं यूज नहीं कर रहा। तो फोर यहां पे हम देंगे बी सेवन, फिर यहां पे देंगे हम बी टेन ठीक है, बी उसके बाद हमें ये जो हमने ओपन किया है डेटा डॉट एक्सेल इसको कर देना है क्लोज, यहां लिखेंगे वर्क बुक्स और यहां पे हम बोला कि डेटा डॉट एक्सेल डॉट क्लोज और सेव करते हुए क्लोज करो ठीक है। उसके बाद जो क्लियर कंटेंट है बाकी चीज है वो तो बिल्कुल सेम ही रहेगी, क्योंकि जब फाइल क्लोज हो गया तो जाहिर सी बात है मेरा जो फॉर्म वाला डे फाइल है वही ओपन होगा। अगर आपको लगता है दिक्कत है तो आप फॉर्म को फॉर्म डॉट इसको एक्टिवेट कर दो, वर्कबुक फॉर्म डॉट एक्टिवेट कर दो, यहाँ अगर दिक्कत आपको ऐसा लग रहा है कि दिक्कत हो सकता है तो यहाँ पे एक्टिवेट, हालांकि एक्टिव रहेगा लेकिन अगर दिक्कत हुआ तो एक्टिवेट कर सकते हो ठीक है। अब इसको हम यहाँ एक और मैक्रो बना, यहाँ पे डायरेक्ट किए मैक्रो असाइन करने के लिए आते, एफ वाला मैक्रो हमने लिया और यहां पे हमने कर दिया सेव इन फाइल, और यहां पे मान लीजिए कि नाम देता हूं मोहन, सिटी में दिया मैंने नोएडा, अमाउंट मैंने डाल दिया 10,000। अब यहां पे मैं करता हूं सेव इन फाइल एंड ओके। अब जाके देखिए ई ड्राइव के अंदर खोलिए फाइल को, वहां आपको देखिए फाइल खुल रहा आ गया सर, और यहां पे गड़बड़ हो गया, यहां पे गड़बड़ हो गया, हमें एक मिनट पूरा आ गया, यहां पे फाइल करना था को क्लोज करता हूं सेव करते हुए। अब यहां पे लिखता हूं मोहन सिटी नोएडा अमाउंट फाइल एंड सेव इन फाइल डेटा इज सेव। अब मैं यहां से अपनी डेटा फाइल ओपन कर, आ गया सर। तो इसका यूज कहां कर सकते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि आपकी एक टीम है, आपको अपने टीम से करीब 20 लोगों से या 25 लोगों से डेटा चाहिए होता है, तो 20 लोग अलग अलग फाइल बना के भेजेंगे तो आपके पास 20 फाइलें आए,
और 20 फाइल के डेटा को रिकंसलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। तो वहां पे आप क्या करें कि आपके पास एक शेयर ड्राइव होता है कंपनी के अंदर, जिसकी एक्सेस बाकी सबको होती है, उसमें आप अपने डेटा फाइल को सेव कर, और जो फॉर्म वाला फाइल है बाकी सबको भेज दे, बोले कि भाई तुम अपना 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 डिटेल डाल के सबमिट सेव पे क्लिक कर, सारा फाइल डेटा एक के नीचे क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ये कहाँ यूज होगा, जहां पे टीम ड्राइव, अब अपने आपकी ई ड्राइव का डेटा थोड़ी उस पर एक्सेस होगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? हाँ डाउट इसमें प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आया। अब हम यहाँ पे अगला टॉपिक जो करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं कि हमारे पास एक डेटा है, मुझे यहाँ पे कमीशन निकालना है। क्या निकालना है? कमीशन निकालना है। तो जनरली मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई बाय 20 कर दिया, कमीशन आ गया। देखिए एक काम हम वीवीए के थ्रू करना चाहते हैं, मतलब एक्सेल की जो फॉर्मूले हैं उसको हम वीवीए के थ्रू लगाना चाहते हैं। तो सब्जेक्ट FUN फंक्शन नंबर 1 ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसको हम कर देते हैं डुअल स्क्रीन ताकि दिखेगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं, तो रेंज वो है हमारा V2 डॉट वैल्यू फॉर्मूला जो करना चाहे करें, और यहाँ पे फॉर्मूला डाल दें इक्वल A2 मल्टीप्लाई बाई 20। इसको रन करने क्या होगा, ये देखिए A2 मल्टीप्लाई बाई 20 करके रिजल्ट 1700 आ। अब मुझे इस रिजल्ट इसको पूरा ये नीचे तक कॉपी पेस्ट करना है। तो हम यहाँ पे रेंज रेंज में क्या करेंगे, हम लिखेंगे A65000, या फिर A1 से भी जा सकते हैं कि A1 डॉट एंड एक्सल डाउन, और फिर यहां पे हम ऑफसेट करके 0 रो और नेक्स्ट कॉलन डॉट सेलेक्ट करें। इससे क्या होगा कि कर्सर मेरा यहां पे, देखिए कर्सर यहां पे आ गया। अब यहां पे जो कर्सर आया इसको कंट्रोल शिफ्ट ऊपर की तरफ ले जा, लेकिन सबसे पहले मैंने कॉपी तो किया ही नहीं B2 को, तो यहां पे लिखेंगे रेंज B2 डॉट कॉपी। अब यहां लिखते हैं रेंज रेंज में बोला कि एक्टिव सेल जो है वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, और एक्टिव सेल डॉट एंड एक्सेलस अप। अब यहां पे मान लीजिए कि सेलेक्ट करके हम कंट्रोल शिफ्ट अप करते हैं तो ऊपर आ जाएगा, मुझे इसकी एक नीचे ले, तो उसके लिए क्या लगाएंगे ऑफसेट, ऑफसेट 1 रो एंड 0 कॉलम डॉट सेलेक्ट। देखिए ठीक है, तो एक्टिव सेल से स्टार्ट है, एक्टिव सेल डॉट एंड एक्सेलस अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट सेलेक्ट, और फिर यहां पे करेंगे हम एक्टिव सीट डॉट पेस्ट, क्योंकि पेस्ट एक्टिव सीट का पार्ट। हो गया सर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं सर? किसी को, और किसी को नहीं है? अब इसी को अगर मान लीजिए दूसरे तरीके से किया जाए तो कैसे करेंगे, यहां पे हम देते हैं फंक्शन नंबर 2 और यहां पे कॉपी वाला पार्ट हटा देते हैं। ठीक है, और यहीं पे हम जो ऑफसेट लगा रखे हैं इस ऑफसेट को भी हटा दें, और यहां पे सिलेक्ट के जगह पे कर देते हैं फिल डाउन, फिल डाउन, एक कोड देने की जरूरत नहीं। तो ये क्या करेगा यहां पे, अब ये फिर रन करता हूं, यहां पे क्या करेगा वैल्यू ए फॉर्मूला डाल देगा। फॉर्मूला डाला, फिर इसके बाद क्या करेगा फॉर्मूला डालने के बाद, कि आपका कर्सर को यहां लेके आए, लेके आया और ये करेगा ऊपर तक सेलेक्ट करके कंट्रोल डी कर देगा, मतलब यहां से ऊपर तक सेलेक्ट करेगा और कंट्रोल डी प्रेस कर देगा, फिल डाउन, समझे?
तो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस मेथड को इस्तेमाल करें या इस मेथड को इस्तेमाल करें, ठीक है? डाउट किसी को? अब इसी में मान लीजिए कि मुझे पास और फेल देना है, क्या देना है? पास और फेल। तो यहां पे रिजल्ट में कहा गया है कि जो ग्रेटर देन 40 है वो पास है, जो ग्रेटर देन लेस देन 40 है वो फेल है। तो बाकी चीजें सेम रहेगी यहां पे, बस ऊपर जो है ए जरा ऊपर, एक मिनट बता दिया मैंने, इसी को करना ना, फ्री बाकी जो सेम रहेगा, बस यहां पे थोड़ा फर्क करना पड़ेगा। यहां पे लिखेंगे इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन ए टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 देन, अब यहां पे मैं पास इस तरह से लिख नहीं सकता वरना यहां पे एरर आ जाएगा, मुझे पास को इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, फेल को इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। प्रॉब्लम यहां पर यह आता है कि यहां भी इन्वर्टेड कॉमा चाहिए, देखिए यहां पे लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो गया क्यों? क्योंकि ए पास और फेल को बगैर यहां पे डायरेक्ट ऐसे यहां ये ऐसे बदल जाएगा कि इफ यहां पे देखिए इफ ए टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 तो डायरेक्ट ये पास जाएगा, जो कि गलत है क्योंकि पास नाम का कुछ है नहीं तो एरर आएगा। तो मुझे इस पास को, आपको जब पता करना हो कि वीवी के थ्रू पार फॉर्मूले में भी मुझे इन्वर्टेड कॉमा चाहिए तो आपको उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखना हो, एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट होगा, सॉरी ब्रैकेट क्लोज नहीं ना, ब्रैकेट क्लोज करना है। ठीक है, इसको रन कीजिए, आ गया सर, कोई डाउट इसमें? ओके, तो ये हमारी चीजें थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आज की रिकॉर्डिंग तो भेज ही देता हूं मैं आपको, साथ में एक और रिकॉर्डिंग भेजता हूं जिसको आपको एक बार देखना है, वो है रेंज की फॉर्मेटिंग। ठीक है, रेंज फॉर्मेटिंग, फिर हम कल एक रेंज फॉर्मेटिंग के ऊपर आपके साथ एक प्रोजेक्ट करें अगली क्लास, ठीक है?